धन किसी प्रकार का भी लेन देन, चाहे किसी का कोई मानदेय होगा, चाहे किसी की मनरेगा मजदूरी होगी, चाहे किसी का विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से पैसा आएगा, या किसी का वृद्धावस्था पेंशन का पैसा आएगा, या किसी का विधवा पेंशन का पैसा आएगा, या कोई किसी की इंश्योरेंस का कोई पैसा आएगा। मोबाइल रिचार्ज कर आप ये कर सकते हैं अपने मैनेजर से, आपके बीमे वगैरह कराने हैं वो भी आपके यहाँ वो लोग कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है ये हमारे वित्तीय सखी करती हैं, आप सबको इनका फायदा उठा सकते हैं। आपको कहने का मतलब बैंक जाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी के पर्सनल खाते अगर नहीं है तो ये फिनो बैंक के खाते भी अकाउंट ओपनिंग करती है। धीरे धीरे आने वाले समय में इनको जो है और भी बैंकों से टाई अप करा के ये सारे बैंकों के खाते आपके खोल पाएंगी। जैसा कि आप अवगत ही हैं कि आज ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें पता नहीं थी, जानकारी नहीं थी। आप लोगों ने जो है जन धन में या क्या कहते हैं जीरो बैलेंस से खाते तो अपने खुलवा लिए, उनमें पैसा भी जमा कर दिया, लेकिन होता यह है कि उस खाते का जो है संचालन ना होने के कारण वो खाता जो बंद हो जाता है। अगर 6 महीने तक किसी खाते में लेन देन ना हो तो वो पैसा जो वो खाता जो है एकदम अपने आप क्लोज हो जाता है। और जब किसी योजना का लाभ लेना होता है, जैसे सपोज करो कोई गरीब आदमी है उसके 6 महीने से खाता बंद पड़ा है और उसको जो है आवास की किस्त आनी है, गांव पंचायत का जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,30,000 रुपये की जो धनराशि आनी होती है वो डिजिटल लेन देन से आती है, तो वो पैसा उस खाते में पहुंचेगा नहीं क्योंकि उसका लेन देन नहीं हुआ होगा। तो उस पेचीदगियों से इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपको उस खाते का संचालन किया जाना बेहद ही ज़रूरी है। यदि आप उस खाते का संचालन करेंगे तो सरकार की तरफ से जो डिफरेंट टाइप की जो है स्कीमें हैं उनके माध्यम से मिलने वाली धनराशि जो है सीधे आपके खाते में जाएगी। अच्छा, ये खाते का संचालन कैसे करें? सपोर्ट करें कि गांव में हमारे गरीब महिला है, वो वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई विकलांग है और कोई जा नहीं सकता, साधन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से अगर पाई दिन गई बिजनौर जाएंगे तो यहाँ से साधन भी नहीं मिलेगा गाँव में से जाने के लिए। तो इन सब व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, इन चीज़ों से पार पाने के लिए गांव में ही किसी सखी का पद स्थापित किया गया है और इनको एक डिवाइस दी गई है। डिवाइस है ये डिवाइस है, ये जल का खुद का जो है ATM है। तो जैसे आपने ATM देखा होगा, ATM देखा किसी ने आज खराब से ATM देखा है, बस तीन लोगों ने देखा। तो ATM में क्या करते हैं कि हम उसका जो ATM कार्ड डालते हैं पैसा निकाल लेते हैं, ऐसा ही होता है कि नहीं? तो वो वहाँ आदमी कोई बैठा नहीं है, लेकिन ये चलता फिरता ATM जो ये मशीन है ये अपने आप में पूरी तरह से बैंक है। तो ये क्या है कि ATM को तो वहाँ जाना पड़ता है ATM के पास, लेकिन ये ऐसा ATM है कि आप घर में ही आ जाएगा। अगर आप इनको फ़ोन कर दोगे कि दीदी मुझे जो है 500 रुपये निकालने हैं, मुझे 1,000 रुपये निकालने हैं, मुझे 1,000 रुपये जमा करते हैं, तो आप इनके फ़ोन नंबर पर जो है क्या कहते हैं कॉल करिए। ये जो बैंक है ये ATM है, ये आपके घर में आपको कहेगी बताओ कितना पैसा जमा करना है, कितनी धनराशि आपको निकालनी है। तो आपका बैंक अकाउंट है उसे सीधे कैश करें, कैश कर लेगा, बता देंगे कि आपके खाते में कितनी धनराशि है और आप अगर कितना लगाने निकालना चाहिए तो उसको टिक करके आपको उसको पैसा निकाल के आपको दे देगी। अगर आपको कहेगी साहब मुझे 1,000 रुपये जमा करना है तो मैं तो आपको टिक करके निकाल करके आपको स्लिप दे देगी। समझेंगे नहीं? स्लिप बनती नहीं है, स्लिप जरूर दो ताकि कहीं अगर मान लिया आपके खाते में से ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो स्लिप को जो संभाल कर अपना जो है दे देंगे। इनको लगभग 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई है RCT हल्दौर के माध्यम से, तब जाकर के इनको ये लगभग 35-40 हज़ार रुपये की ये डिवाइस जो है सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। हालांकि इसको जो है इनको निर्धारित किस्तों में अदा करना है। कल ये परसों आई थी हमारे ऑफिस में तो हमने पूछा, मैंने कि जो आपको वही डिजिटल लेन देन करना है, इन्होंने कहा कि जी मैं तो 70,000 रुपये तो आज ही वो ट्रांजेक्शन करके आई हूँ। तो एक अच्छी बात है कि नहीं, इससे सुविधा लग रही किसी को कि नहीं, या किसी को आपत्ति तो नहीं है कि साहब ये तो काम गलत हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? तो मेहरबानी करके जो अपने खाते का संचालन करें,
उसको जो है भले 100 रुपया 200 रुपया उसको डाल दें, उससे क्या रहता है कि आपको पता तो रहता है कि मेरे खाता का नंबर ये है। निश्चित रूप से इससे जो है वृद्धि होगी, आपका आर्थिक स्तर, आपका जीवन स्तर अच्छा बढ़ेगा। और अगर मान लिया किसी की कोई क्वेरी हो, किसी का चीज़ भाई मेरा ये हिसाब नहीं मिल रहा, आप दीदी से मिल करके अपना हिसाब मिलवा कर सकते हैं।